मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी गणतंत्र दिवस का खासा उत्साह देखने को मिला। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट मुख्य अतिथि रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंगलवार की सुबह का नजारा कुछ अलग ही नजर आया। यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने झंडा वंदन किया। इस मौके पर संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, एडीजी योगेश देशमुख, आईजी हरिनारायणचारी मिश्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री सिलावट ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन भी किया। विभिन्न प्लाटून द्वारा परेड की गई, जिसकी सलामी मंत्री सिलावट ने ली। इस मौके पर सभी परेड कमांडर ने अपना परिचय भी मंत्री को दिया। आयोजन में विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे यहां मौजूद लोगों ने सराहा। मंत्री तुलसी सिलावट ने कई लोगों को सम्मानित भी किया। इधर मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने मध्य प्रदेश की जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि सीएम के नेतृत्व में इस महामारी के दौर में भी विकास, प्रगति व उन्नति का काम कोरोना के इस दौर में किया गया, जो काफी सराहनीय है। मध्य प्रदेश के भाई और बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस संकट, इस महामारी के दौर में भी 10 माह के अंदर जो विकास, प्रगति, उन्नति और कोरोना वायरस में जो काम किया सरकार ने, बाकी में सराहनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं। एक सवाल के जवाब में मंत्री सिलावट ने कहा कि किसानों को कांग्रेस ने धोखा दिया है, कांग्रेस किसानों को धोखा देना बंद करे। इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा किसानों की योजनाओं की जानकारी भी साझा की। ताई को मिले सम्मान पर उन्होंने ताई को नमन किया और बधाई भी दी। जब उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, मात्र 10 दिन में जब 20 लाख हो, 25 लाख हो, 15 लाख हो, 10 लाख हो, कितने दिन में माफ कर देंगे? 10 दिन में 1-2 लाख माफ हुआ क्या? किसानों को धोखा तो कांग्रेस ने दिया। अब किसान की बात, ये झूठे आंसू, किसानों को धोखा देना कांग्रेस बंद करे। क्या है, आप जानते हैं, किसानों की सम्मान निधि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 और मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री ने 4,000 रुपये, 10,000 रुपये उन छोटे किसानों को फायदा मिला। 0% का ब्याज, कितना फायदा हो रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बीमा का फायदा। जो 1,37,00,000 मीट्रिक टन गेहूँ हमने कोरोना काल में
देश में नंबर वन, 17 लाख नंबर किसानों का समर्थन मूल्य पर 925 रुपए क्विंटल के भाव से कर रही है। कृत्रिमान नहीं है, विस्थापित नहीं है। इस संकट के दौर में उस समय कहां गई थी कांग्रेस? देखा जाए तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे इंदौर में उत्साह और देशभक्ति का माहौल नजर आया। एमपी न्यूज के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।